हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 24 नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो अपडेट आपको लगातार मिल सके। तो फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको स्टडी मटेरियल्स, पीडीएफ एंड वीडियो अपडेट लिंक लगातार प्रोवाइड होते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, आज का जो हमारा वीडियो है वो है बिजली बाघ हेल्पर 2 हिंदी मॉक टेस्ट पार्ट 5 से। इससे पहले हम के चार पार्ट डाल चुके हैं, साथ में जो अन्य सब्जेक्ट है उनके भी पीडीएफ लिंक, साथ में आपको जो वीडियो लिंक है उन सभी के लिंक आपको हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन में साथ में टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, तो वहां पर जाकर आप उनको भी देख सकते हैं। तो फिर इस वीडियो के जितने भी क्वेश्चन है वो आपको मिल जाते हैं पीडीएफ में, तो पहले पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, उसके बाद ही इस वीडियो को देखिएगा, जिससे आपको आपके जो एक्चुअल नंबर है वो पता लग सके। अब इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, वीडियो के बारे में बात करते हैं। यहां पर तो जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में हमने लिए हैं वो आपकी पिछली जो राजस्थान भर्तियां हुई हैं उन सभी पर आधारित है, तो उसी में से हमने जो है क्वेश्चंस को सभी को लिया है। तो ये मत देखिएगा कि क्वेश्चन कैसा है, लेवल कैसा है, सिंपल है, हार्ड है, पर ये देखिएगा कि क्वेश्चन जितने भी है वो आपके पिछले टाइप में आ चुके हैं राजस्थान भर्तियों में। तो फिर इसी के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसका पहला क्वेश्चन आपके सामने है। निम्न में से स्वर संधि का उदाहरण क्या है? तो यहां पर चार ऑप्शन है, मैं 2 या 3 सेकंड का पॉज लूंगा हर क्वेश्चन में और उसमें आपको जो है आपका आंसर जो है चेकआउट करना है। तो यहां पर जो सही आंसर है इस क्वेश्चन के लिए वो है आपका ऑप्शन फर्स्ट, अत्युत्तम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महोत्सव में है, तो यहां पर आपको जो है संधि विच्छेद में दे रखा है, जो कि आपको बताना है कि महोत्सव में कौन सा जो है यहां पर ऑप्शन आता है। तो बिल्कुल सही आंसर इस क्वेश्चन के लिए रहेगा आपका ऑप्शन फर्स्ट, आ प्लस ऊ इक्वल टू ओ, जैसे महा प्लस उत्सव तो मिलकर बनता है महोत्सव, तो ऐसे ही यहां पर जो है ऑप्शन फर्स्ट आपका यहां पर सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्या है रवि प्लस इंद्र की संधि क्या है? तो इन दोनों जो है शब्दों को मिलाने के बाद एक पूर्ण वर्ड बनता है, पूर्ण शब्द बनता है, वो क्या रहेगा? तो ऑप्शन फर्स्ट जो है रविंद्र, वो बिल्कुल सही आंसर आपका इस क्वेश्चन के लिए है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, निम्न में से व्यंजन संधि का उदाहरण आपको यहां बताना है। तो व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा है इन चारों में से? तो बिल्कुल सही आंसर आपका इसमें रहेगा ऑप्शन फोर्थ, सज्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विद्यार्थी का संधि विच्छेद है, तो विद्यार्थी जो है उसका संधि विच्छेद क्या होता है? तो यहां पर जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन फर्स्ट, विद्या प्लस अर्थी। तो देखिए फ्रेंड्स, संधि विच्छेद और समास रिलेटेड क्वेश्चन आपसे लगातार पूछे जाते रहे हैं, तो यहां पर आपको करना क्या है, इनकी संधि कितनी भी संधियां हैं समास है उनके प्रकारों की मीनिंग याद कीजिए और थोड़े बहुत फॉर्मूलाज हैं वो याद कीजिए, जिससे आपको संधि विच्छेद या समास विच्छेद करने में कोई भी समस्या नहीं आए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तो निम्न में से विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है। तो यहां पर जो है आपको आंसर बताना है कि इनमें से कौन सा है जो विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं आता है, तो इसमें जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन 3, यद्यपि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 या 2 से अधिक पदों का योग है, तो यहां पर देखिए आपसे पूछा गया है कि कौन से पदों का, 2 से 2 अधिक पदों का योग को हम क्या कहते हैं, तो यहां से सिंपली आपसे परिभाषा ही पूछी गई है, तो ऑप्शन 2 जो है समास, वो बिल्कुल सही आंसर आपका यहां रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से समास का भेद नहीं है, तो समास का भेद कौन सा नहीं है? तो अगर आपको पता ही नहीं है समास कितने प्रकार के होते हैं तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, तो यहां पर जो सही आंसर है आपका इस क्वेश्चन के लिए वो है आपका ऑप्शन 2, कृदंत जो है वो समास का भेद नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से द्वंद समास का उदाहरण बताइए, तो यहां पर आपको द्वंद समास का उदाहरण बताना होगा, तो यहां पर जो सही आंसर इस क्वेश्चन के लिए है वो है आपका ऑप्शन 4, लोटा डोरी, क्योंकि यहां पर आपको क्या लग रहा है, यहां पर डैश लग रहा है, तो यहां से हम पकड़ सकते हैं कि ये द्वंद समास का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विधानसभा का समास विग्रह आपको बताना है, तो यहां पर इसका जो सही आंसर आपके लिए क्या रहेगा? तो फ्रेंड्स, यहां पर जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन फर्स्ट, विधान के लिए सभा। नेक्स्ट है, निम्न में से तत्पुरुष का उदाहरण नहीं है, तो यहां पर जो तत्पुरुष समास है उसका उदाहरण नहीं है वो आपको छांटना है, तो बिल्कुल सही आंसर यहां पर है आपका ऑप्शन फोर्थ, नील गाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13वां क्वेश्चन जो कि है दाल भात का समास विग्रह आपको बताना है, तो यहां पर जो सही आंसर है इस क्वेश्चन के लिए वो है आपका दाल और भात।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। तो यहां पर आपको ये चीज बतानी है कि दोनों पद कौन से होते हैं, प्रधान होते हैं। तो आपका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन टू, द्वंद्व समास में दोनों जो पद होते हैं वो क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। तो यहां पर आपको बताना है कि किस वर्ड, कौन से वर्ड में उपसर्ग नहीं दिया गया है। तो यहां पर जो सही आंसर आपका इस क्वेश्चन के लिए रहने वाला है फ्रेंड्स, वो है आपका ऑप्शन फोर्थ। तो क्रोध में जो है उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। नेक्स्ट है, अति उपसर्ग से बना शब्द है। तो यहां पर जो उपसर्ग का नाम दिया गया है वो है हमको अति। तो यहां पर आपको देखना है कि उपसर्ग कौन सा जो है इसमें अति लगा हुआ है। तो यहां पर सिंपल तरीका क्या होता है कि आप दिए गए वर्ड में से अति हटा दीजिए और कोई एक जो है मीनिंगफुल वर्ड बनता है तो वो बिल्कुल सही आपका आंसर रहेगा। तो फ्रेंड यहां पर जो सही आंसर है इस क्वेश्चन के लिए वो है आपका ऑप्शन थ्री, क्योंकि अति प्लस अंत, तो यहां पर अति से जो है ये बना हुआ है, तो अत्यंत बिल्कुल सही आंसर आपका यहां पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस में अध का उपसर्ग नहीं है। तो अब यहां पर आपको देखना है कि अध का जो है उपसर्ग जो है अध वो यूज नहीं हुआ है। तो यहां पर जो सही आंसर इस क्वेश्चन के लिए वो है आपका ऑप्शन फर्स्ट, अध्यापक। नेक्स्ट है, कृदंत शब्द में निम्न में से क्या होता है। तो यहां पर जो है आपको बताना होगा कि कृदंत शब्द में क्या होता है। तो बिल्कुल सही आंसर इस क्वेश्चन के लिए वो है आपका ऑप्शन फर्स्ट, धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स, आर प्रत्यय निम्न में से किस शब्द में है। तो यहां पर अब आपको देखना है प्रत्यय किस शब्द में है आर। तो आर प्रत्यय, प्रत्यय लगता कहां है, वर्ड के बाद में लगता है, शब्द के अंत में लगता है। तो यहां पर देखिए आप अगर आर हटा हटा कर देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि किस में जो है कौन से वर्ड में आर लगा हुआ है प्रत्यय के तौर पर। तो यहां पर जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन टू, लोहार। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय नहीं है। अब यहां पर आपको देखना है कि प्रत्यय जो है नहीं है किस शब्द में। तो लास्ट में से आपको जो है प्रत्यय हटाना होगा और किस में नहीं है वो आपको छांटना होगा। तो यहां पर भी सही आंसर आपका कौन सा है, ऑप्शन टू है, अपमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवन में मूल शब्द और प्रत्यय है। तो यहां पर जो पवन वर्ड है आपका, इसमें आपको मूल शब्द और प्रत्यय को अलग अलग करना है। तो यहां पर जो सही आंसर है इस क्वेश्चन के लिए वो है आपका ऑप्शन फोर्थ, पो और अन प्रत्यय। नेक्स्ट है, जलज का एक अर्थ यह भी है। तो जलज जो वर्ड है उसका अर्थ क्या होता है, तो इनमें से आपको वो छांटना है। तो जलज को जो है हम शंख भी कहते हैं, ये इसका एक अर्थ भी होता है। तो फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, हरि का यह अर्थ नहीं है। तो अब आपको हरि का अर्थ बताना है कि इनमें से तीन जो है वो हरि के अर्थ होंगे और एक जो है वो हर अर्थ नहीं होगा। तो दूध जो है वो हरि का अर्थ नहीं होता है। तो ऑप्शन टू बिल्कुल सही यहां पर रहेगा। नेक्स्ट है, उपस्थित का विलोम शब्द यहां पर आपको बताना है। तो ये बिल्कुल सिंपल है, उपस्थित को हम क्या कहते हैं, विलोम शब्द के तौर पे अनुपस्थित होना। तो बिल्कुल सही आंसर कौन सा है आपका यहां पर, ऑप्शन थ्री है। नेक्स्ट है, अमृत का यह अर्थ नहीं है। अमृत का, तो देखिए स्वर्ण, जल, दूध, ये सभी हम अमृत के अंदर मानते हैं। तो वस्त्र जो है बिल्कुल भी सही आंसर आपका नहीं है, मतलब इस क्वेश्चन के लिए तो ऑप्शन फोर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, निम्न में से किस युग में विलोम शब्द नहीं है। तो यहां पर जो विलोम शब्द है वो नहीं है वो हमको छांटना है। तो देखिए आराध का निर्यात होता है, आकाश का पाताल, अमृत का विष, ये तो तीनों सही हो गए, हमको छांटना है नहीं है। तो ऑप्शन फोर्थ जो है गृहस्थ का कृपण, ये बिल्कुल गलत यहां पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्लभ, दुर्लभ का विलोम क्या होगा। तो यहां पर इसका बिल्कुल सही आंसर, क्योंकि बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन फर्स्ट है, जो कि सुलभ यहां पर सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके जो चिन्ह से रिलेटेड है, तो यहां पर देखिए निम्न में से अल्प विराम का चिन्ह है। तो यहां पर अल्प विराम का कौन सा चिन्ह आपको दिया गया है। तो इंग्लिश में अगर आपको पता है इनके मीनिंग तो आप सिंपली इसको कर सकते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर यहां आपका है। नेक्स्ट है, आना जाना में अपेक्षित विराम चिन्ह है। अब देखिए आना जाना लगातार लिखा हुआ है, पर यहां पर आप किस वर्ड को यूज कर सकते हैं जिससे ये जो है विराम चिन्ह इसमें लग जाए। तो यहां पर जो है अगर आप योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं तो ये बिल्कुल आपके लिए फायदेमंद रहेगा, इसमें जो है आपका आंसर सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, तो निम्न में से किस विराम चिन्ह का प्रयोग एकाधिक पदबंधों को अलग अलग दिखाने में किया जाता है। तो आपका फ्रेंड्स यहां पर आंसर ढूंढना है। तो यहां पर इस क्वेश्चन के लिए जो बिल्कुल सही आंसर है वो है आपका अल्प विराम। जब इसमें क्या कहा गया है कि एक से अधिक पदों को जब हम अलग अलग करके शो करते हैं तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं, अल्प विराम का यूज करते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से विस्मयादिदी बोधक चिन्ह क्या है। तो यहां पर देखिए आपको आंसर बताना है, तो मेरे हिसाब से सभी को आंसर इसका पता होगा। तो ऑप्शन फर्स्ट जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहां है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन को उद्धत करने के लिए विराम चिन्ह अपेक्षित किया जाता है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है इस क्वेश्चन के लिए वो है आपका ऑप्शन टू, उद्धरण चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33वां क्वेश्चन, हर्ष, शोक और आश्चर्य की स्थिति में क्या प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह हम लगाते हैं जब हमको हर्ष दिखाना होता है, शोक प्रकट करना होता है या आश्चर्य की स्थिति प्रकट होती है, तो वहां पर हम विस्मयादिक चिन्ह लगाते हैं। तो ऑप्शन टू जो है बिल्कुल सही आंसर हमारा है। नेक्स्ट है, क्या आप खाना खाएंगी में कौन सा चिन्ह हमको लगाना चाहिए। तो देखिए क्या लग गया आगे स्टार्टिंग में ही, तो हम यहाँ पर प्रश्न पूछ रहे हैं, तो ऑप्शन जो फर्स्ट है प्रश्नवाचक वो बिल्कुल सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि के लिखित रूप को हम क्या कहते हैं। तो ध्वनि जो है, जो हम मुंह से बोलते हैं ध्वनि निकलती है, जब उसको हम लिखित रूप में करते हैं तो हम उसको लिखते हैं वर्ण के तौर पर, ठीक है ना। तो 35वें में थर्ड ऑप्शन जो है बिल्कुल सही आंसर आपका है। नेक्स्ट है, निम्न में से दीर्घ स्वर्ग नहीं है। तो यहां पर आपको छांटना है कि कौन सा जो है दीर्घ स्वर्ग नहीं है। तो यहां पर जो है आपका ऑप्शन टू ई वो बिल्कुल सही आंसर आपका है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा वर्ण स्वतंत्र ध्वनि है। तो यहां पर आपको छांटना है कौन सा जो है स्वतंत्र ध्वनि है। तो यहां पर आपको पता होगा ऑप्शन टू जो है ए वो बिल्कुल स्वतंत्र ध्वनि होती है। निम्न में से किस में संयुक्त व्यंजन है। तो संयुक्त व्यंजन जिसमें भी है वो आपका सही आंसर आपका रहेगा। तो यहां पर जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन टू, न्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कंठ्य व्यंजन है। तो यहां पर जो सही आंसर है आपका इस क्वेश्चन के लिए वो है आपका घे, ऑप्शन थ्री। नेक्स्ट है, निम्न में से दंत व्यंजन नहीं है। तो दंत व्यंजन जो है वो नहीं है। तो यहां पर जो सही आंसर है वो है आपका चे। तो देखिए तय बोलेंगे, दे, थे, ये सब दंत व्यंजन है। तो चे जो है आपका दंत व्यंजन नहीं होता है। तो ऑप्शन टू करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स अभी हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं उनमें आपका आशा करता हूँ अच्छे नंबर आए होंगे। तो आप अपने जो कमेंट है कमेंट बॉक्स में जाकर अपने स्कोर को कमेंट कर सकते हैं यदि आप चाहें तो। और कोई भी गलत आंसर अगर आप करते हैं तो 1/4 नेगेटिव मार्किंग करके देखिएगा, जिससे आपको आपके एक्चुअल नंबर जो है पता लग सके। तो फ्रेंड्स ये अभी हमने बात की हमारे हिंदी मॉक टेस्ट पार्ट 5 से। आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहे होंगे। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो अपडेट जो भी है वो उनको मिल सके और वो भी उनका फायदा उठा सके। और किसी भी चीज में कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी समय पर तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारी जो ईमेल आईडी है a24knowledge@gmail.com उस पर भी हम हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो फिर ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए a24 knowledge एंड द लास्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।